एमपीपीएससी की वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षाओं की हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें तथ्यों पर विचार करना चाहिए, उसके आधार पर हमें अपनी रणनीति तय करना चाहिए। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख करके आपको कुछ हम तथ्यात्मक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर आप आने वाली जो एमपीपीएससी की परीक्षाएं हैं उनकी आप एक सुदृढ़ रणनीति बना पाए। सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे कि 2018 के बाद की जो एग्जाम्स एमपीपीएससी ने दी है, 2019, 2020, 2021, 2022 की जो एग्जाम्स हैं, उसमें से जो 2019 है इसका जो है एक्स्ट्रा एग्जाम हो रहा है अभी, उसके बाद फिर इंटरव्यूज होंगे। यानी 2019 का जो है वो इंटरव्यू होगा, इसी प्रकार से 2020 में हो चुका है इसका भी इंटरव्यू होगा। उसके बाद 2021 की जो एग्जाम है आपने देखा है ये बात खिसक गया है आगे, और ये जुलाई में होगा। यानी आप इंटरव्यू भी देंगे, कुछ बच्चे मेंस भी लिखेंगे। और 2022 का जो है उसका आपको प्रारंभिक परीक्षा भी फेस करना है इस वर्ष में, और इसी वर्ष में आपको मुख्य परीक्षा भी फेस करना है। इस प्रकार से आपने देखा होगा इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सभी एग्जाम्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कुछ एग्जाम्स में शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिजल्ट्स कब आएंगे, सरकार इनको क्यों इकट्ठा करती चली जा रही है, एमपीपीएससी पर इसका बर्डन क्या बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब बातें देखिए तभी आपको स्पष्ट हो पाएगी जब 2019 का रिजल्ट क्लियर होगा। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में एक डिसीजन दिया है कि 2019 का जो रिजल्ट है वो विद इन 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए, यानी फाइनल हो जाना चाहिए। इसका मतलब सीधा ये है कि 2019 का जो रिजल्ट आपका लटका हुआ है वो इस वर्ष फाइनल हो जाएगा। उसके बाद 2020, 21, 22 की जो आपकी एग्जाम्स है, रिजल्ट्स हैं, वो फटाफट पूरी होंगी। अब आता है कि 2023 का जो वर्ष है वो हमारे लिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो कम महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका जो भविष्य है वो संवरने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो 2023 का वर्ष है ये एक प्रकार से इसे हम रोजगार वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहुत सारी रिक्तियों की घोषणा इस वर्ष की गई है। वो किसी भी कारण से की गई हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, फिलहाल आपके सामने बहुत सारे टारगेट हैं। फिर आता है कि जो ये वर्ष है ये चुनावी वर्ष है। आपको मालूम होगा कि जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसका कार्यकाल नवंबर 2023 में कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकार है वो इस मामले को नवंबर तक टाल सकती है, उसके बाद रिजल्ट्स फटाफट फटाफट आएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात हो रही है कि नवंबर तक क्यों, तो देखिए इसके कुछ राजनीतिक आयाम है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, आप लोग सब इसको समझते हैं अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं कि 2023 को हम एक सकारात्मक वर्ष के रूप में लें। सकारात्मक अगर हम इस वर्ष में रहेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो हम स्वयं को ही कमजोर बनाएंगे, स्वयं को ही हम बहुत सारे लक्ष्यों से अपने को हटा लेंगे। आप 2023 को आप एक बार अगर आप लोगों ने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा, इसका आपने विश्लेषण किया होगा, तो आपको तीन बातें सीधी सीधी यहां पर दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी ने 20 दिसंबर को शाम को विज्ञापन जारी किया, और अभ्यर्थियों का जो एक असमंजस की स्थिति है कि पता नहीं 2022 की जो एग्जाम होगी कि नहीं होगी, उस स्थिति को एमपीपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो विज्ञापन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी जारी किए गए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं उनके भी विज्ञापन जारी किए गए हैं।
तो देखिए, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप सोचिएगा कि ये पद रिक्त नहीं होते या सरकार भर्ती प्रक्रिया नहीं करना चाहती है तो फिर उस स्थिति में वो विज्ञापन क्यों जारी करे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि विज्ञापन जारी करने का मतलब ही होता है, विज्ञप्ति जारी करने का मतलब ही ये है कि आपको सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु ये है, चूंकि 2019 का जो एग्जाम है वो एमपीपीएससी के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है, अब वो ना तो उसको निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, तो इस स्थिति के कारण क्या हुआ है कि सारे जो बाकी जो परीक्षा है उसकी अगली अगली जो परीक्षाएं हैं वो सब रुक गई। तो 2019 जैसे ही आपका क्लियर होगा वैसे ही सारे एग्जाम्स जो है वो समय से होंगे और उनके रिजल्ट्स भी आएंगे। संशोधित कैलेंडर के कारण जो अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो परेशान भी होते हैं, उनकी योजनाएं बार बार बदलती रहती हैं। हमारे जो कोचिंग संस्थान है वो भी बार बार जो है एक प्रकार से टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाते हैं, क्लास शेड्यूल बनाते हैं, फिर चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, कोचिंग संस्थानों को, पढ़ाने वालों को या इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सबको यहाँ पे परेशानी तो है, लेकिन इस परेशानी से ही एक रास्ता भी निकलता है, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं कि सरकार, ये जो सरकार है मौजूदा सरकार, अगर आप इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उसने जो भर्ती प्रक्रिया हमारी हुई है उसमें वो काफी सकारात्मक रही है। उसकी पहले की अगर आपने सरकार देखी हो तो कई वर्ष जो ऐसे हुए कि जिसमें एमपीपीएससी ने उसको एक प्रकार से निल कर दिया, उसमें कोई रिक्ति ही जारी नहीं की ना कोई विज्ञापन दिया। तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो ये सरकार जो है हमारे लिए काफी रोजगार देने वाली सरकार है, और अगर हम इस प्रकार से नहीं सोचेंगे, इस प्रकार से अपना एक मनोविज्ञान नहीं बनाएंगे तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हमारा तैयारी में मन नहीं लगेगा। तो हमारा अभ्यर्थियों को आज की इस वीडियो से यही संदेश है कि वो सकारात्मक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दें, नकारात्मक पक्ष पर कम ध्यान दें। नकारात्मक जो लोग बोलते हैं सरकार के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में, देखिए उससे आपको कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें शिथिलता आएगी, उसमें गड़बड़ी होगी, आप उससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप उससे हट जाएंगे, आप दूसरे दूसरे कामों में लग जाएंगे, तो आपका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाएगा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो निगाह है वो पूरी तरह से अपने टारगेट पर होना चाहिए, और जब तक आपकी निगाह टारगेट पर रहेगी, आपका गोल क्लियर रहेगा, तो आप उसको प्राप्त भी कर पाएंगे और आप सक्रिय भी रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो हमारी परिचर्चा है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर दूसरा विषय लेकर चर्चा करें, तब तक के लिए धन्यवाद।